नमस्कार साथियों, आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल भरपूर तरीके से धार दे रहे होंगे। यह जो यूपी टेट सीटेट 2022 का है, आगामी जो भी हो रीट जितने भी एग्जाम हैं, एमपी टेट, बी टेट, आल टेट, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेट होते हैं, प्लस सुपर टेट, सी टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है साथी। अगर आपको मैथ, हिंदी प्लस ईवीएस पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में आइए, यूपी टेट सी टेट लिखा होगा, आराम से उसमें यूपी टेट के मैथ मैराथन में, मैथ बेसिक में, हिंदी बेसिक, हिंदी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और प्लस ईवीएस के बिल्कुल शानदार शानदार लेक्चर आपको मिलेंगे साथी, मस्त तरीके से करते चलिए। ऐसे में हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं और आप लोग से एक विनती करते हैं साथी, अगर आपको लगता है बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है साथी, हमें नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रशिक्षकों की संख्या कम है, ऐसे प्रशिक्षकों की संख्या तो कदापि कम है जो प्रशिक्षु सच में शेयर करते हैं। अगर आप लोग अगर ठान लें ना तो ठान लें जीत निश्चित हो जाती है साथी। बस आप एक तरह से अपने मन को सहयोग की भावना की तरह लगा लेना, इस चैनल से इतना प्यार कर बैठने साथी, तो हर एक चीज़ जब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, डाउट सेशन सब कुछ मिल रहा है, तो आपको एक कर्तव्य में बंध जाना चाहिए। हाँ सर, हमको जितना दे रहे हैं अब उसको हम अपने फैमिली में, पूरे अपने दोस्तों में बताएंगे, सबको जितने मोबाइल हैं सबको सबसे सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथी। ये CDP का क्लास है, बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का। इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे साथी, जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं बहुत अपने आप में ज़बरदस्त हैं और इसको समय पर हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन बन सको। बुद्धि के सभी सिद्धांतों में आज हम चार सिद्धांत देखेंगे, एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है ना। अब एक कारक का जो सिद्धांत है सबसे पहले याद रखेंगे अल्फ्रेड विनेट ने दिया था, और द्विकारक के सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था, याद रख लेंगे भाई, अगर याद कर सकिए दो तीन बार लिखकर याद कर लीजिए। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, और देखिए थ्री गिल इस तरह से बोल लीजिए, याद हो जाएगा। द्विकारक का सिद्धांत है द्वी ईयर में हमेशा हम लोग सक्सेस हो जाते हैं, अभी 2 ईयर लग जाता है सारे वैकेंसी क्लियर करने में, इस प्रकार से याद कर लीजिए। एक कारक मतलब एक है, अ सबसे पहले ए आता है, अ आता है तो याद रखेंगे, एक मतलब एक मतलब अ पहले नंबर पर आता है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विनेट ने, और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने जो कि बिल्ली पर प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कारक सिद्धांत क्या था और क्यों यह फेल होता है। अल्फ्रेड विनेट जो होते हैं साथी, ये एक कारक सिद्धांत देते हैं, और इनके अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो इनका कहना था, जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, वह एक भाग है पूरा हमारा मस्तिष्क बुद्धि का एक भाग है, एक शक्ति है, एक कारक ही है, इसका कोई अलग सा रूप नहीं है, एक ही कारक है। और ऐसे व्यक्ति जो अगर एक कारक है तो आप खुद बताओ वह संपूर्ण कार्य को कर सकता है। वह साफ साफ बोले इस बात को कि आदमी की जो बुद्धि होती है वह बहुत पावरफुल होती है, वह एक कारक होता है, वह मिला जुला कर एक भाग होता है, उसकी पूरी शक्ति केवल एक कारक में ही निहित होती है, और वह व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है। तो इस सिद्धांत को नकारते हुए आज आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने नकारा इसे और कहा भाई अगर बुद्धि एक कारक है तो आदमी अगर तैयारी करता है, मतलब आदमी किसी एक सब्जेक्ट में ही क्यों माहिर होता है, जैसे कोई आदमी मैथ में ही केवल माहिर है, केवल आदमी केवल इंग्लिश में ही कोई माहिर है, कोई आदमी अगर पढ़ने में तेज है तो उसका मन खेलने में नहीं लगता है, या फिर खेलने में बहुत कमज़ोर है, सारी चीज़ सारे ड्रामा में, नाचने में, गाने में वो कमज़ोर होता है, तो आखिर अगर एक कारक है बुद्धि, तो बुद्धि अगर शक्तिशाली तो बुद्धि को सारी चीज़ें सुचारू रूप से हर तरफ विस्तार रूप से सोचना चाहिए। तो इस बात को कहते हुए इनके कारक को नकार दिया गया, यानी कि एक कारक के सिद्धांत को नकार दिया गया। बुद्धि एक कारक नहीं भाई, वह प्रभावित एक ही तरफ झुकाव रखती है, हर तरफ हर क्रियाओं की तरफ नहीं झुकाव रख पाती है, इस वजह से बुद्धि संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा कारक, द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने साफ साफ कह दिया भाई, है ना, कि इनके अनुसार अगर देखें तो बुद्धि दो कारक है, अभी ऊपर एक कारक था, उनको भगाया गया, भाई कहां से आ गए एक कारक लेके, प्रूव करके दिखाओ, अब आ गए द्विकारक के सिद्धांत में, तब तक स्पीयरमैन टपक पड़े, ये बोले भैया द्विकारक सिद्धांत है, अब द्विकारक सिद्धांत है भैया, तो अभी ये सोच रहे थे कि एक कारक वाला फेल हुआ है तो हम लगा देते हैं दो कारक हो जाएगा। अब दो कारक कैसे होता है अब ये बताते हैं, ध्यान सुनिए, इनका कहना होता है अगर मानसिक कार्यों को अगर देखें और एक तरह से हम लोग अपने मानसिक कार्यों की योग्यता के अनुसार देखें, तो हमारा एक यस फैक्टर होता है, एक जी फैक्टर होता है, जो जी फैक्टर होता है वह मानसिक में हमारे मस्तिष्क में जनरल फैक्टर के रूप में, यानी कि वंशानुक्रम सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो हमारे दादा हैं, अगर गेम खेलते हैं, दादा अगर माहिर है पहलवान है तो बच्चा भी माहिर हो जाए, ऐसा होता है क्या,
लेकिन इन्होंने इस बात को रखा और आगे देखते हैं इस बात को। अब यस फैक्टर क्या होता है, यस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब कि एक तरह से जो हमको वातावरण से मिलते हैं, जो हम सीखते हैं, जो शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो मान सकते हैं इस बात को, जो सीखेंगे वो तो एक कारक सिद्धांत में आ गया। फिर अब द्विकारक सिद्धांत इनका इससे फेल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों सही तो पकड़ रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन उसकी सही पुष्टि नहीं कर पाया। जैसे वंशानुक्रम जी फैक्टर इनका फेल हो गया, पहली बात है। यह कहना चाहते थे हमारा जो माइंड है बच्चे का, एक बालक का माइंड है, वो वंशानुक्रम चलता है। भाई वंशानुक्रम कैसे कहने चलता है, मान सकते हैं कुछ हद तक चलता है, लेकिन आपने इसमें पूरी पुष्टि की ही नहीं, इस वजह से आपका यह कारक अमान्य घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, बता देंगे, थॉमसन व गोदरे, याद रख लेंगे। थॉमसन व गोदरे ने इस बात की पुष्टि करी, यह वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, यह इन्होंने कहा कि द्विकारक सिद्धांत हम मान सकते हैं सही है, लेकिन यह सच में पूरी तरीके से पुष्टि तो कर ही नहीं रहा है। सबसे पहले वंशानुक्रम वाला झूठा हो गया, तो इस तरह से इन्होंने नकार दिया कि भाई थॉमसन और गोदरे ने नकारते हुए कहा भैया द्विकारक सिद्धांत पूरी तरीके से फेल है। अब आ जाता है त्रिआयामी सिद्धांत। अब त्रिआयामी सिद्धांत को बहुत रूप में जाना जाता है, धन का सिद्धांत, धन 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 का सिद्धांत, या फिर क्यूब का सिद्धांत, या फिर ईंट के मॉडल का सिद्धांत। याद रखें, ईंट के मॉडल के सिद्धांत के नाम से, धन के सिद्धांत के नाम से, क्यूब के सिद्धांत के नाम से हम किसे जानते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। त्रिआयामी जो सिद्धांत है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था गिलफोर्ड ने। अब गिलफोर्ड ने क्या बताया था भाई, गिलफोर्ड का कहना था भाई ये अपने सिद्धांतों में 180 तत्वों को बताए, इसमें 180 तत्व है भाई। इन्होंने बताया बालक जो प्रतिक्रिया करेगा अपने दिमाग से ही करेगा, लेकिन उसके स्टेप्स होंगे, तीन स्टेप्स होंगे। कौन कौन से, पहला संक्रिया करेगा, मतलब सोचेगा विचारेगा कि हमें यह काम, जैसे कोई मान लीजिए कोई आदमी चोरी करने जाता है, अगर बहुत बड़ा हाथ मारना है तो वो पहले प्रोग्राम बनाता है, ये यहाँ पे बहुत पैसा है, पहले इसको पैसे को मतलब कहाँ पे रखता है, पूरी संक्रिया एक तरह संरचना बनाएगा। दूसरी तरफ क्या करेगा भाई, उसको प्लानिंग करेगा, मतलब एक तरह से करेगा, हाँ ऐसे ऐसे करना है, इस वस्तु को उठाना है, और तीसरी बार में कार्यक्रम को पूरा कर देगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इन्होंने तीन स्टेप्स बताए, पहला संक्रिया बताया, दूसरा बताया विषय वस्तु क्या होना चाहिए हमारा, और तीसरा बताया उत्पाद, जो उत्पाद मिलेगा हमें क्या मिलेगा। तो संक्रिया करेगा बालक, फिर विषय वस्तु बताएगा कौन सा विषय वस्तु क्या करना चाहता है, इसके बाद उत्पाद जो उसे चाहिए, जो उसे बनाना है, जो उसे करना है, वो उत्पाद के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से यह त्रिआयामी सिद्धांत भी फेल हो जाता है लास्ट में जाके, साथ ही त्रिआयामी सिद्धांत भी फेल होता है। आ जाते हैं बहुकारक सिद्धांत, यह बहुत दिनों तक चलता है लेकिन बाद में फेल कर दिया जाता है जब बहुकारक सिद्धांत आ जाता है। अब थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक के महोदय के साफ साफ कहना होता है जो बुद्धि होता है ना, वो कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, इसमें किसी एक कारक का, द्वि कारक का, तीन कारक का गुण होता ही नहीं है। अगर बुद्धि सच में कहे तो बुद्धि क्या होता है, यह वही जान सकता है जो इस पर सर्च करता है, जो उसके लिए कार्य करता है। बुद्धि एक स्वतंत्र रूप है। बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता निहित रखती है। बुद्धि जो होती है ना, वो विशिष्ट योग्यता निहित रखती है, यह स्वतंत्र है, यह कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से जुड़कर, यह इसमें बहुकारक मतलब बहुत सारे बुद्धियों का एक तरह समूह होता है, तो यह चाहे तो एक दूसरे से जुड़कर ना एक तरह से बहुत सकारात्मक कार्य कर सकती है, एक दूसरे से जुड़कर बहुत सकारात्मक कार्य कर सकती है। सकारात्मक कार्य का मतलब बहुत ही बेहतरीन कार्य जो होते हैं उसको कर सकती है। इस प्रकार से इन्होंने बताया चार स्वतंत्र प्रक्रिया बताया बुद्धि का, कौन कौन से भैया, सबसे पहले अस्तर, हमें अस्तर में यह जानना है कि भाई आखिर जो अस्तर होता है इसका अर्थ यह है कि किसी विशेष कठिनाई का कितना कार्य किसी वस्तु द्वारा किया जाता है, समझे, किसी विशेष कठिनाई का कितना कार्य किसी वस्तु द्वारा किया जाता है, किसी आम आदमी किसी बुद्धि द्वारा किया जाता है, इसको अस्तर बताया। मतलब कि किसी काम को करने से पहले आप उस स्तर तक जाते हैं, आपको आज सुपर टेट देना है तो सुपर टेट तक जाएंगे आप, उस स्तर की तैयारी करेंगे। आज आपको IAS देना है तो IAS तक आप तैयारी करेंगे, उस स्तर तक जाएंगे साथी, तब जाके उस एग्जाम को आप बीट कर सकते हैं। इस वजह से पहले इन्होंने स्तर बताया। दूसरी बात बताया सीमा, हमें सीमा माप लेना चाहिए कि बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने का भी मतलब है कि आप कुछ नहीं आएगा, आप हार जाओगे। सच में अगर आप टफेस्ट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टफेस्ट लेवल का पढ़ना है। अब आप कर रहे हो भैया रेलवे की तैयारी, आप करोगे पढ़ोगे IAS PCS वाला, लगोगे लिखने पिखने तो जीके ओके तो सब छूट जाएगा, आप फेल हो जाओगे। एक IAS के बच्चे को अगर बैठा दिया जाए ग्रुप डी के एग्जाम में ना, वो ही फेल मार जाएगा, क्योंकि वो जीके उसको आता ही नहीं है, और जीके नहीं पूछता है IAS के एग्जाम में भैया, वो फैक्ट पूछता है, फैक्टुअल चीज़ें, जो सारी चीज़ें हमारे सामने चल रही होती हैं, घटनाएं सारी, तो ये सारी चीज़ें। तो यानी कि एक सीमा हमको दायरा तय करना, हमारा परास क्या है, हमारी रेंज कितनी है, इस बात को बताता है। क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो साथी, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस बात की, और गति मतलब आपकी स्पीड कितनी है। यह चार स्तर थे, किसके चार मतलब चरण थे, बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, बस यही था।
सिद्धांत आपके सामने है, बुद्धि के सभी सिद्धांत आपके सामने, साथ ही अब इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसे अपने मन में गुनगुना सकते हैं, 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं। अगर मन करे तो सारे क्लास एक बार रिवाइज कर डालिए, छोटे छोटे जो क्लास हैं आपको बहुत बड़े नहीं दे रहे हैं। जैसे एग्जाम आएगा हम पूरा एक साथ ही बहुत महामैराथन क्लास लगा देंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, साथ ही आपको फ्री में सारी चीज़ दिए जा रहे हैं। अपने भाई से बोलिए, अपने बहन से बोलिए कि सच में यहाँ पे जुड़कर वो सीख ले कुछ, जिससे कि आगामी एग्जाम में वो बीट कर सकें, आसानी से तैयारी कर सकें अपना। धन्यवाद।